और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। यह अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन होगी। जारी आदेश में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत विवाह हेतु वर वधु एवं पंडित को मिलाकर कुल 5 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन, मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 4 लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। तहसीलदारों द्वारा जारी अनुमति जिले भीतर के लिए होगी। जिले के बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल में उपस्थित सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था के साथ साथ सैनिटाइजर होना आवश्यक है। अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। शासकीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही होगी। जिले के बाहर जाने एवं आने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ साथ सैनिटाइजर का होना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उक्त आयोजनों के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश एवं एडवाइजरी का भी पालन करना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे झाझर।